टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमृत नगर दरगाह गली में रहने वाली 30 वर्षीय नरगिस बानो की अम्मार अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई है, ऐसा आरोप परिवार वालों ने लगाया है। ये महिला गर्भ से थी और बच्चेदानी में तकलीफ होने की वजह से इस महिला को 4 दिसंबर को अम्मार अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ पर डॉक्टर परवेज और डॉक्टर मैमुना और एक अन्य डॉक्टर ने इस महिला का इलाज किया था। इस महिला की मौत के बाद इस महिला के शव को छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम कराया गया और जिसके बाद शव परिजन लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और सामने एम्बुलेंस खड़ी करके परिवार के लोग डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग करने लगे। परिवार से भी हमने बात की है इस पूरी घटना के बारे में और अम्मार अस्पताल के डॉक्टरों से भी हमने संपर्क करना चाहा, मगर 24 घंटा चलने वाला ये अस्पताल बंद था, ताला लगा हुआ था, कोई भी नर्स डॉक्टर स्टाफ कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था कि हम इन अस्पताल के तरफ से भी जानकारी ले सकें। कई लोगों से हमें जानकारी मिली कि जब से ये घटना हुई थी तभी से ये अस्पताल बंद करके यहाँ से लोग चले गए हैं। मृतिका नरगिस बानो की दो बेटियाँ हैं और इस महिला की बच्चेदानी में कुछ तकलीफ थी। पहले डॉक्टरों ने बताया कि दवा से ठीक हो जाएगा, मगर उसके बाद फिर इसे ऑपरेशन की सलाह दी गई, मगर ऑपरेशन भी करवाया गया लेकिन हालात और बिगड़ते चली गई। परिवार ने यह भी बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने बिना जानकारी दिए हुए उसका ऑपरेशन भी कर डाले और जब स्थिति और काफ़ी भयानक हो गई यानी और बिगड़ गई तो खुद डॉक्टर परिवार को बताए बिना प्राइम अस्पताल में इस महिला को लेकर चले गए, मगर सुबह करीब 3 बजे के आसपास इस महिला की मौत हो गई। परिवार के लोग डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे और शव दफन तभी करेंगे जब डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी, ऐसी बात परिवार के लोग कह रहे थे। मगर शमीम खान और परिवार के सदस्यों के साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कट के साथ बातचीत के बाद परिवार शव दफन करने के लिए तैयार हो गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लेने की बात कही है। वहीं परिवार ने अम्मार अस्पताल के डॉक्टर जो इस महिला का इलाज कर रहे थे उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत की है जो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हम अम्मार अस्पताल के डॉक्टरों से मिलने की कोशिश की, उनसे संपर्क करना चाहा लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। अगर इस पूरे मामले में वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नाम है आपका और आपके पत्नी का क्या नाम था और जो हॉस्पिटल में घटना हुई कौन सा हॉस्पिटल था, वो कैसे ये पूरी घटना हुई? भाई मेरा नाम सरफराज है, मेरी वाइफ का नाम है नजीब फातिमा। मैं 1.5 महीने से अम्मार हॉस्पिटल में मैमुना मैडम को दिखा रहा था। मैमुना मैडम ने क्या बोला कि जब मैं क्या मैडम वाइफ के पेट में दर्द हो रहा है तो जरा देखिए, तो मैडम ने बोला मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ है बच्चा तो आप एक काम करो सोनोग्राफी निकाल लो। तो मैं सोनोग्राफी निकाला तो बोलने की सोनोग्राफी में बच्चा 2.5 महीने का है, ठीक है, लेकिन बच्चेदानी का मुँह खुला है, मैं दवा दे दूँगी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, फिर भी बोली कि काम करो 10 दिन के बाद दूसरी रिपोर्ट निकालेंगे। दूसरी रिपोर्ट निकालने के लिए फिर सोनोग्राफी कराया, उन्होंने बोला कि बच्चेदानी का मुँह खुला, टाका लगाना पड़ेगा। मैंने हाँ ठीक है मैडम, टाका लगा दे। बोला अभी नहीं, तीसरी सोनोग्राफी 1 तारीख को निकलवाया उन्होंने, 1 तारीख को। तो उसमें बोलती है कि बच्चेदानी का मुँह और खुला हुआ है, ये आपको टाका लगाना पड़ेगा। तो 3 तारीख को उन्होंने बोला कि मेरे को 15,000 रुपये दो, मैं आपको टाका लगा दे दीजिएगा। मैंने ठीक है मैडम, मैं आ रहा सुबह 10:30 बजे, आप टाका लगा के दे दीजिएगा। तो क्या करी उन्होंने, ठीक है डॉक्टर को बुला लिया बाहर से उन्होंने, और टाका लगाने जैसे गई डॉक्टर ने बोला कि टाका लगाने जैसा नहीं, बच्चा बच्चेदानी के बाहर आ चुका है, तो हम टाका नहीं लगाएंगे, बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बोला 3 दिन रख कर उनको दवा डाल के 6 दिन 6 ड्रॉप 6 ड्रॉप डाला उन्होंने डाल के, और पूरा हालत खराब कर दिया उनको, ना पानी ना कुछ ही कुछ भी नहीं, मतलब ग्लूकोज से पानी चल रहा है, उनकी हालत खराब होती चली जा रही है। फिर फ्राइडे के परसों के दिन उन्होंने क्या बोला कि हम लोग अभी, फिर मेरे को अंदर बुलाया उन्होंने, क्या पैसा दो 17-15 की बात की थी, 17 फिर 17 हो गया, फिर बोलती 20 दो। मैंने मैडम मेरे तब पैसा मेरे पास नहीं है, तो बोलते लगी कि क्या गुलाब पार मार्केट में इतनी भीड़ लगी रहती है, ये पैसा लो। मैडम मैं शॉपिंग करने आया कि अस्पताल में बैठा हूँ,
कैसी बात कर रहे हो? बोले मेरे को बताया, मैं नहीं जानती हूँ टोटल कितना पैसा लिया। टोटल मेरे से कम से कम 40,000 के ऊपर चला गया। फ्राइडे के दिन क्या हुआ फिर? फ्राइडे के दिन उन्होंने क्या बोला कि है ना, जब उन्होंने मेरे को बुलाया कि ठीक है, फिर लेके गए डॉक्टर को, बुलाया उन्होंने संतोष जोशी को, उन्होंने पूरा केस खराब किया। संतोष जोशी को बुला के लाना, उन्होंने बच्चेदानी से बच्चा निकाल दिया, और बच्चा निकाल के बाद में बोलती है कि जल्दी से ब्लड लेके आओ। और बाद में जब मैं ब्लड लेने प्राइम में भेजा, उन्होंने प्राइम से मैंने जब जाके ब्लड लेके आया, तो वो बोलती है कि बच्चेदानी में निकाल दी और मेरे को जो पहला बच्चा था, पहला बच्चा नहीं कुछ नहीं बोला। और पहला ऑपरेशन जो था बोले वो भी तो खुलना पड़ेगा, ब्लड लगेगा, आपको रिजर्व करके रखो। और वहाँ पे जैसे ही लेके आओ, और वाइफ की तबीयत ज़्यादा सीरियस होती चली गई, उन्होंने चीज़ें और सीधे बाद में बोलने लगी कि इनको प्राइम में शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ ICU में लेके गए और वहाँ पे बोले आप वहीं रुकिए, पहले पे ऑपरेशन से 8 साल पहले हुई। केस खराब करने के बाद हॉस्पिटल से लेकर जाया जा रहा था प्राइम, उस दौरान परिवार के लोगों से पूछा गया था? कुछ नहीं पूछा गया, बोला प्राइम में नहीं, सीरियस है, हम लोग वहाँ ले गए, आप हमारे पास ICU नहीं है। दो ऑपरेशन करने के बाद उनको ये पता चला कि हमारे पास ICU में लेके गए। वहाँ पे बोले डॉक्टर साहब ने, फारूक साहब ने बोला मैंने केस देखा है, मैंने केस को कुछ नहीं किया, मेरे पास केस आया है, मैं केस मैडम ने खराब किया, ये फारूक सुल्तान साहब का वार्ड। और बोले 80% उम्मीद बचने की, 20% उम्मीद है, दुआ करो बस। अभी आप लोग बॉडी क्या कर रहे हैं यहाँ पुलिस स्टेशन में आए थे? अभी क्या हुआ, अंदर से गए थे, साहब ने बोला है शमीम भाई के सामने, शमीम भाई ने बोला कि ठीक है ये आ जाएंगे दफना अफना के, आप स्टेटमेंट उनका ले लीजिए, और स्टेटमेंट कुछ 3 से 4 घंटा चलेगा और फिर हम उनके साथ कार्रवाई करेंगे। अभी आप लोग बॉडी यहाँ पे लाए, पुलिस ने कुछ NC ने लिया, उन्होंने NC कुछ नहीं लिया, उन्होंने बोला रिपोर्ट आने के बाद दफनाने के बाद अब आइए, हम स्टेटमेंट लेंगे। अच्छा, शमीम भाई को किसने बुलाया था? डॉक्टर की तरफ से शमीम भाई आए थे? आप नहीं, हमारी तरफ से शमीम भाई आए थे, रात में भी हमारी तरफ से शमीम भाई आए थे, खड़े थे हमारे लिए, वो थे तो लोग डॉक्टर काम कर दे, जैसे ही वो चले गए 15-10 मिनट में सब भाग गए, उसके बाद फोन भी नहीं उठा रहे। अभी आप लोग बॉडी दफन करने जा रहे हैं? अभी दफनाएंगे हम लोग जाके। आप लोग की लास्ट मांग क्या है? लास्ट मांग है कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हम आगे तक जाएंगे, कार्रवाई मिनिस्टर तक हमें लेना चाहिए। आप जो साहब ने हमको बोला है कि हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे, सारी मीडिया चाहिए, उन्होंने बोला है, सपोर्ट मुझे चाहिए, भाई के सामने बोला है कि मैं सबका सपोर्ट कार्रवाई करूंगा, कोई भी चीज की कमी नहीं करूंगा, एक एक पेपर आपको दूंगा, जेरॉक्स करके आपको हर एक पेपर दूंगा। अगर उन्होंने बोला बस आपका स्टेटमेंट, पहले आप बॉडी दफना लो, अभी हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ। शमीम भाई, जिस तरह से हॉस्पिटल बंद है, ताला लगा हुआ है, इन लोगों ने आपको भी बुलाया था, तो जिस तरह से हॉस्पिटलों की तरफ से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, आप लोग हॉस्पिटल में कुछ भी होता है तो वहां फौरन पहुंच जाते हैं, कुछ हॉस्पिटलों का बचाव भी करते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल की जिस तरह से घटना सामने आई है और अब आप लोग इनके साथ में, तो इस पर क्या मामला दर्ज करवाएंगे आप लोग, किस तरह से एक्शन लेंगे? सबसे पहली बात तो जो बच्ची हमारे बीच नहीं रही, हमारी बहन, वो हमारे लिए बहुत दुखद घड़ी है, हम सब के लिए। मैं उस परिवार के लिए अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसे सुकून दे, अमन दे, और उस बच्ची को अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, आला मुकाम दे, ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। उसके दो मासूम बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये वाकई में बहुत ही दुखदायक घड़ी हमारे लिए है। लेकिन जब मुझे कल ये बच्चे मेरे पार्टी ऑफिस आए और आके मुझसे कहा कि शमीम भाई ऐसी बातें हैं, मेरे एक दोस्त हैं अशफाक खान जो कुरला में रहते हैं, उनके यहाँ ये बच्चे कोई जॉब करते हैं, तो मुझे उनका भी कॉल आया था। मैं वहाँ जब पहुँचा हॉस्पिटल, तो मैंने डॉक्टर्स को फ़ोन जाने के पहले ही फ़ोन किया कि आप लोग किधर हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग घर पे हैं। मैंने कहा आप घर पे हैं तो आप तुरंत पहले हॉस्पिटल पहुँचिए, तो उन्होंने कहा अब तक हम वहीं थे। मैंने कहा आप थे लेकिन आपको उनके रिलेटिव ने नहीं देखा है, आप उधर आइए और मेरे सामने बच्ची का ट्रीटमेंट कीजिए, बताइए पोजिशन क्या है। डॉक्टर साहब और उनकी अहलिया और 3-4 डॉक्टर पूरी टीम आई, मैं उनके साथ इन बच्चों को लेकर के बैठ के बातचीत किया। डॉक्टरों ने अपने तरीके से बात रखी कि हमने उनका ट्रीटमेंट किया, शमीम भाई समथिंग जो उन्होंने अपनी बातें कहनी थी उन्होंने कही,
लेकिन इनके साथ हमारी जो दो बहनें थीं आज भी ये भी यहाँ मौजूद हैं मेरे ख्याल से, उन्होंने जो बताया कि शमीम भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्टेटमेंट यानी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो एक परमिशन होती है एक हस्बैंड की नहीं लिया उन्होंने, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने लिया है। खैर कोशिश की गई, हमें रात में ही उन्होंने इन्फॉर्म किया था, हमें क्या हम सबको इन्फॉर्म किया था कि 80% उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन रात में मैं कुछ 2 या 2:30 बजे शायद मैं वहाँ से गया और मैं जाने के बाद यानी 3:30 बजे के बाद वो बच्ची का इंतकाल हो गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन में हम लोग खड़े हैं, हमारी बात अभी इनके फैमिली के साथ, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर भी गया था और आपने जो ये जुमला कहा कि आप लोग खड़े रहते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो इसामुद्दीन साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम शहर के सामाजिक लोग हैं, हम जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी हम उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। और इंसाफ सुनिए, इंसाफ के लिए सुनिए इंसाफ के लिए मैं या हमारे नेता हम सब लोग उनके लिए खड़े रहेंगे जो आदमी मजलूम होगा जिसके साथ ज्यादती होगी। लेकिन अभी मैं जाकर के पूरे इनके फैमिली के साथ जो बच्ची इंतकाल हुई उनके हस्बैंड के साथ जाके हम लोगों ने कर्ट साहब से बात किया है, जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं कर्ट साहब ने ये कहा है कि अभी जो पीएम हुई है पीएम के मुताबिक 3 दिन के बाद कुछ फाइनल रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से इनकी एक कमेटी डॉक्टर्स की बैठती है जो कलवा शिवाजी की टीम बैठेगी और यहाँ के कुछ डॉक्टर्स बैठ करके इस पर डिसीजन लेंगे और रिपोर्ट्स में क्या आता है किस तरीके से यानी पीएम की रिपोर्ट में क्या आता है उसके हिसाब से एक्शन होगा, मैंने कहा कार्रवाई की जाएगी। और मैंने ये कहा है कि इनका स्टेटमेंट यानी जैसे अभी इन्होंने मीडिया के माध्यम से आपको दिया है इस तरीके से ये अभी मिट्टी पहले ज़रूरी है क्योंकि जनाजे को भी लेट करना बेहतर नहीं है सामुद्दीन साहब, तो अभी पहले मिट्टी बच्ची की दी जाएगी और उसके बाद इनके साथ मैं खुद आऊँगा पुलिस स्टेशन, अगर इनको ज़रूरत मेरी है जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं खड़ा हूँ और इनका पूरा स्टेटमेंट होगा। उन्होंने कहा है कर साहब ने कहा है वालस्टर साहब ने कहा है कि 2 से 3 घंटे का इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद जैसे रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के मुताबिक उस पर एक्शन करने की, अगर वो गलत है तो गलत को माफ नहीं किया जाएगा। सर इंसाफ मिलने तक आप लोग इन लोगों का साथ दोगे? इंसाफ मिलने तक शमीम खान इनके साथ साथ था साथ है साथ रहेगा।